स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कमलदेव सर। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का इंग्लिश बुक का लास्ट चैप्टर 16 बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स पोयम का अध्ययन करेंगे, हिंदी मीनिंग जानेंगे, वर्ड्स मीनिंग जानेंगे और प्रश्न उत्तर जानेंगे। और इससे पिछले टोटल 15 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है और चैप्टर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका और इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? लाइक मतलब पसंद करना। क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? लिस्ट एट लीस्ट टू बुक्स दैट यू हैव रीड रिसेंटली। हाल ही में जो आपने किताब पढ़े हैं, कम से कम उन दो किताबों का एक लिस्ट बनाइए। एट लीस्ट मतलब कम से कम। चलिए पोयम में शुरू करते हैं पोयम को। तो यहाँ पर बताया गया है, व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। वर्ल्ड्स मतलब होता है दुनिया, वंडर मतलब आश्चर्य, बुक्स मतलब पुस्तकें। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग, व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। कैसी आश्चर्यजनक दुनिया है हमारी पुस्तकें। कभी कहते हैं कि कैसी आश्चर्यजनक दुनिया है हमारी पुस्तकें। एज वन ओपेंस देम एंड लुक्स, उन्हें कोई खोलता और देखता है, जैसे ही वैसे ही न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज, नए नए विचार और लोग सामने आकर प्रकट होने लगते हैं। कभी अनुभव करके बोल रहे हैं कि हमारी किताबें जो हैं कैसी आश्चर्य की दुनिया है, जैसे ही उन्हें कोई खोलता है और देखता है वैसे ही नए नए विचार और नए नए लोग सामने आकर प्रकट होता है। जैसे कि अभी आपको हम समझाते हैं, पिछला चैप्टर में आपने बिरबल के बारे में पढ़ा था, तो हमारे दिमाग में बिरबल का चित्र बनने लगा, नए नए लोग, नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं किताब को पढ़ने से। अब देखिए, इन आवर फैंटेसीज एंड आवर आइज, हमारी कल्पनाओं में और आँखों के समक्ष, द रूम वी सीट इन मेल्ट्स अवे, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं वह पिघलने लगता है, मेल्ट्स मतलब पिघलना होता है, एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले, और हम स्वयं को खेलते पाते हैं, विथ समवन हु बिफोर द एंड, किसी अनजान के साथ जो अंत के पहले, में बिकम आवर चूजन फ्रेंड, हमारा चुना गया मित्र बन सकता है, और वी सेल अलोंग द पेज, और वी सेल अलोंग द पेज, या हम पन्नों के साथ, या हम पन्नों पर उड़ते हुए, टू सम अदर लैंड और पेज, किसी दूसरे देश या युग में पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे देश या उम्र में पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे जगह या उम्र में पहुंच जाते हैं। हेयर्स आवर बॉडी इन द चेयर, हमारा शरीर तो होता है कुर्सी में ही धसा हुआ, बट आवर माइंड इज आउट देयर, परंतु हमारा दिमाग कहीं बहुत दूर होता है, परंतु हमारा दिमाग कहीं बहुत दूर होता है। इच बुक इज ए मैजिक बॉक्स, प्रत्येक पुस्तक है एक जादू की पिटारी, विच विथ ए टच ए चिल्ड अनलॉक्स, प्रत्येक बुक है एक जादू की पिटारी जिन्हें कोई बच्चा खोलता है। इन बिटवीन दियर आउटसाइड कवर्स, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर दियर लवर्स। इन बिटवीन आउटसाइड कवर्स, उनके ऊपर कवरों या आवरणों को खोलकर, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर दियर लवर्स, अपने प्रेमियों के लिए पुस्तक हर प्रकार की चीज़ें रखती है। ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए इसको ध्यान से। तो ये ख़त्म हुआ। अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं, वंडर अद्भुत वस्तु या आश्चर्य, फैंटेसीज कल्पना, सेल सहज तरीके से चलना, मैजिक जादू, अनलॉक ताला खोलना या प्रकट करना। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको जानते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मौखिक रूप से जवाब देना है आपको। इसका जवाब स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट ट्रू फॉल्स इन फ्रंट ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। निम्नलिखित जो जगह प्रोवाइड किया गया है इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है।
जो सही है ट्रू और फॉल्स है तो गलत है तो फॉल्स। टिक द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी टिक करना है, इसमें कोई एक सही होगा तो उसको टिक करना। इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये तीन टू क्वेश्चन हैं और दोनों का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से क्लास सेवन्थ का ये इंग्लिश बुक खत्म होता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।